हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल एंड वेलकम बैक टू द चैनल हाउस ऑफ कलाकृति। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड एंड हैप्पी बिकॉज फाइनली आई एम शूटिंग दिस वीडियो, एडिटिंग एंड फाइनली पोस्टिंग द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन दिस चैनल, दैट इज द बालकनी मेकओवर। आई डिड स्मॉल बालकनी मेकओवर इन अप्रैल मंथ एंड एट दैट टाइम आई अनाउंस दिस बालकनी मेकओवर, बट इट नेवर हैपन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी, आई टुक सो मेनी डेज, एक्चुअली इट्स नॉट डेज, इट्स मंथ I took, but trust me, ये बालकनी मेकओवर सबसे यूनिक होने वाला है, इतना तो मैं बोल सकती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद। आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करोगे और इस वीडियो से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं अपनी खुद की बालकनी डेकोरेट करने के लिए। उसी के साथ मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है जो कि वीडियो के लास्ट में होगी, सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट द मेकओवर। सभी मेकओवर स्टार्ट होता है वो क्लीनिंग के साथ, तो इस तरीके से मैं भी क्लीनिंग ही स्टार्ट कर रही थी क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी है, हमें जो नहीं चाहिए था वो हम बालकनी में रख रहे थे, तो इस वजह से बालकनी के हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी चीज़ें नहीं चाहिए वो डिस्कार्ड करनी है वो बाजू में कर रही, जो रखनी है वो अंदर बालकनी में ही रख रही थी। तो सभी चीज़ों का अंदर रखने के बाद मैं अच्छे से इस बालकनी को डीप क्लीन कर लूँगी और डीप क्लीन के बाद एक्चुअल मेकओवर स्टार्ट होगा हमारा। हाँ, मैं अच्छे से पानी से बालकनी को साफ़ कर लूँगी और फिर बाद में हम मेकओवर स्टार्ट करेंगे। क्लीन करने के बाद बालकनी कुछ इस तरीके से दिख रही थी, तो वन साइड ऐसे पूरी वाइट वॉल है और अदर साइड ग्रिल और उसके बाजू में वॉल है। तो इस वॉल को मुझे पेंट तो करना था पर मुझे पूरा पेंट नहीं करना था, इसलिए आई डिसाइडेड टू गो विथ अ सर्कल और सॉलिड सर्कल। तो यहाँ मैं अच्छे से एक सर्कल ड्रॉ करके लूँगी और उसके बाद हम उसे पेंट करेंगे। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ जो स्मॉल बालकनी मेकओवर में जो वॉल पेंट मैंने यूज़ किया था वही वॉल पेंट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो ये टेराकोटा वॉल कलर मैं यहाँ पेंट करूँगी और टेराकोटा वॉल कलर वाइट और ब्लैक ऐसे कॉम्बिनेशन देखने के बाद मुझे मैंने इस बालकनी का जो थीम है वो बहु एस्थेटिक थीम ऐसे डिसाइड किया था। तो कुछ इस तरीके से उस थीम को ध्यान में रखते हुए ही हम बालकनी को डेकोरेट करेंगे। इस सर्कल को पेंट करने के लिए हमें ब्रश भी चाहिए और रोलर भी, क्योंकि आउटर सरफेस पेंट करने के लिए ब्रश से ही वो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा। तो ब्रश से मैं यहाँ फिनिशिंग कर रही हूँ और अंदर की साइड में रोलर से पेंट करूँगी। पेंट के मैं यहाँ दो कोट करने वाली हूँ तो इस वजह से जो सर्कल है वो बहुत सुंदर दिखेगा। तो पेंट करने के बाद वॉल कुछ इस तरीके से दिख रही है। उसके बाद जो बाजू में ड्रेनेज पाइप है तो इसे मैं डेकोरेट करने के लिए मैं फेरी लाइट से कवर करूँगी तो रात में बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। सर्कल हमने पेंट किया है, उसके नीचे की साइड इसे दो साइड में मैं ड्रिल करके और नेल करके लिया है। ये क्यों? क्योंकि मेरे पास एप्पल के दो कैरेट थे और उससे मुझे यहाँ यूज़ करना था, तो उन्हें मैंने बीच में इसे अटैच किया है। बाद में कुछ इस तरीके से मैं वॉल को लगाऊंगी। इस पूरे मेकओवर में हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है तो थैंक्स टू हिम ऑल्सो। लगाने के बाद हम इसे भी फेरी लाइट से कवर करेंगे। ये सभी फेरी लाइट्स मेरे पहले से ही है तो सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से ऑनलाइन परचेस किए हैं सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट है तो इस तरीके से कवर करूंगी। उसके बाद हमने जो ये कैरेट लगाए हैं उसे हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ मेरे पास टेराकोटा के मिनीचर्स थे, उसी की माला मैं यहाँ लगा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मिट्टी की थी तो ये इस थीम के साथ बहुत अच्छे से जाने वाली थी, मुझे पता था, तो इसलिए ये सभी जो टेराकोटा की चीजें थी तो वो यहाँ मैं रख रही हूँ, तो इस वजह से एक बहुत सुंदर लुक इसमें आ जाएगा। बालकनी है तो प्लांट्स चाहिए ये। तो इस साइड मैंने सोचा था कि इस साइड थोड़े कम प्लांट्स हो गए पर जो अदर साइड है वो पूरी प्लांट के लिए रिजर्व है और सभी प्लांट्स उसी साइड में आ जाएंगे। मैं यहाँ जो मिनीचर पॉट्स थे वो डिस्प्ले कर रही हूँ। दिस इज द फाइनल लुक ऑफ अवर शेल्फ। जो मेजर चेंजेस हमने बालकनी मेकओवर में किए थे वो है, एक था कि हमने इस बालकनी को कवर किया था,
हमने जब मेकओवर स्टार्ट किया था तभी बारिश स्टार्ट हुई थी, तो हमने सोचा कि मेकओवर करने का कोई पर्पज़ ही नहीं। कवर करने के लिए हमने एक्रेलिक ट्रांसपेरेंट शीट प्रेफर की है। सेकंड चेंज हमने जो बालकनी में किया था वो ये था कि जिस साइड ग्रिल थी उसे हटा के हमने थोड़ा एक्सटेंड बालकनी को किया था, क्योंकि मुझे मेरा जो सेल्फ यूनिट था प्लांट के लिए वो मुझे इसके ऊपर रखना था। दैट्स वाई वी एक्सटेंड दिस स्पेस एंड वी यूज स्मार्टली। एक्सटेंड किए हुए स्पेस में ऐसे हमने शेल्फ यूनिट रखा है, तो बहुत अच्छे से जो नीचे की स्पेस है वो हमारी बच गई थी। और यहाँ हम वन बाय वन अब सभी प्लांट अरेंज करेंगे। जो लास्ट वीडियो में मैंने 7 पॉट पेंटिंग आइडिया दिखाए थे, तो वो थीम भी इस बालकनी के रिलेटेड ही मैंने रखी थी, क्योंकि वो सभी एक साथ अच्छा लगेगा। तो वो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। सभी प्लांट्स अरेंज करने के बाद कुछ इस तरीके से शेल्फ दिख रहा था। तो वन साइड ऐसे प्लांट बहुत ही सुंदर दिखते हैं और पॉट है वो पेंट करने के बाद बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो अभी ये शेल्फ यूनिट प्रॉपर ऐसे डेकोरेट हुआ है। बालकनी के फ्लोर को कवर करने के लिए हमने लोकल मार्केट से ये ग्रीन मैट परचेस कर ली और कुछ इस तरीके से वो लगाने के बाद बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मैट को कट करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि उसे पीछे की साइड कटर से ही कट कीजिए। सीजर से बहुत हार्ड होता है पर कटर से बहुत इजीली कट हो जाती है। और कट करने के बाद एक कुछ इस तरीके से अच्छे से फ्लोर मैट बैठ गई और एक बहुत ही डिफरेंट लुक आने लगा बालकनी का। बालकनी का लुक ही बहुत इन्हांस हो गया इस ग्रीन मैट के वजह से। नेक्स्ट बालकनी है तो सीटिंग अरेंजमेंट कुछ तो चाहिए। फ्लोर सीटिंग हम फाइनलाइज करेंगे क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी कि हम चेयर और स्टूल रख सके, तो इसलिए हमने लोकल मार्केट से इससे पाइन वुड का ये सीटिंग अरेंजमेंट है वो परचेस किया और बहुत ही सुंदर ये थीम के साथ गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी फ्लोर सेटिंग रेडी है। तो कॉर्नर में पाइप हाइड करने के लिए मैंने यहाँ एक प्लांटर में रबर प्लांट रखा है, तो इस वजह से पाइप है वो भी हाइड हो जाएगा। यहाँ मैंने ये मटके को यूज़ किया है क्योंकि ये प्रॉपरली उस थीम के साथ जा रहा था। तो दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, ऐसी ये सिटिंग अरेंजमेंट हुई है। और बालकनी को डेकोरेट करने के लिए मैंने सभी चीज़ें घर में जो अवेलेबल थी वही यूज़ की है, कि मुझे ये जो बालकनी मेकओवर था और जो सेटअप था वो मुझे टेम्परेरी नहीं चाहिए था, मुझे परमानेंट ही चाहिए। नेक्स्ट बात आती है लाइटिंग की, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी मेकओवर में। मुझे दोनों भी सेम बल्ब नहीं मिले क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक थे। आप एक ही को प्रेफर करें तो अच्छा होगा। दोनों स्ट्रिंग लाइट इस तरीके से हमने लगाई है। मुझे एक कैफे लुक जैसे होता है तो वो चाहिए था, तो दैट्स व्हाई वी डिसाइड टू गो विद दिस स्ट्रिंग लाइट और बल्ब की स्ट्रिंग लाइट स्पेशली, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिखती है। उसके बाद मेरे पास ये एक बास्केट था, बाम्बू बास्केट, जो एज अ लैम्प शेड हम यूज कर रहे थे। जिन लोगों ने मेरे पहले मेकओवर देखे होंगे लिविंग रूम का वगैरह, उस टाइम मैंने यूज किए थे। लगाने के बाद बहुत ही क्लासी दिख रहा था। तो सबसे बेस्ट पार्ट बालकनी का यही है कि इसकी लाइटिंग बहुत ही परफेक्ट हुई है। बालकनी में कुछ मैंने हैंगिंग प्लांट्स ऐड किए हैं। उसके लिए जो एक्सटेंशन हुक है और जो प्लांटर है वो भी मैंने हमें से ही परचेस किए हैं। ये कुछ लगाने के बाद एक तो पूरा लुक ही चेंज हुआ, तो ये भी मैंने थीम के अनुसार सिर्फ व्हाइट कलर के ही प्लांटर्स परचेस किए। इसमें मल्टी कलर भी आते हैं, तो आप जैसे सोचते होगे तो वैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सभी 5 ही प्लांटर लगाने के बाद बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। प्लांट्स आते हैं वहाँ का लुक ही बहुत इनहांस हो जाता है इनडायरेक्टली। तो कुछ इस तरीके से ये 5ों प्लांटर के लगाने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है बालकनी के लुक में। ये 3 प्लांटर जो कि मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर शेयर किए हैं, जो टीन के डिब्बे से बनाए गए हैं, वो भी बहुत अच्छे से इस शेल्फ में सेट हो गए थे और वो दिखने में बहुत सुंदर दिख रहे थे। ये भी एक हैंगिंग प्लांटर जो भी हमने घर पे वेस्ट से बनाया था वो भी यहाँ अच्छे से सेट हुआ है। डोर के बाजू में जो वॉल थी दोनों साइड, तो एक साइड मैंने एक अच्छे से ऐसे इस तरीके से डेकोरेट किए हैं जो भी घर पे अवेलेबल था, और अदर साइड बाम्बू प्लांटर लगा के डेकोरेट किए हैं। जो डोर था बालकनी का वो स्लाइडिंग डोर नहीं था, दैट्स व्हाई बहुत सारी स्पेस लगती थी, तो इसलिए मैंने जो डोर के आजू बाजू की स्पेस है वो खाली रखी है। और इस तरीके से हमारी जो अदर साइड है
वो भी अच्छे से डेकोरेट हुई है और बहुत ही सुंदर ये प्लांट शेल्फ दिख रहा था, क्योंकि जो कलर थीम और सभी DIYs और सभी के साथ प्लांट्स के साथ बहुत अच्छे से ये डेकोरेट हुआ है। कौन सी साइड आपको ज़्यादा पसंद आई बालकनी की, वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। इस तरीके से हमारी बालकनी डेकोरेट हुई है। जो डे का लुक है और नाइट का लुक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एन्जॉय दिस फाइनल लुक ऑफ बालकनी। मेरे जैसे आप भी चाहते होंगे कि खुद के बालकनी को डेकोरेट करें और मेकओवर दे, सो आई एम हियर टू डेकोरेट योर बालकनी। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि आप पुणे से होने चाहिए, बिकॉज आई एम पुणे बेस्ट, सो आई कैन पर्सनली डेकोरेट योर बालकनी। वर्चुअल मेकओवर भी पॉसिबल है, सिर्फ आपके पास उतना टाइम होना चाहिए, सो आई कैन गिव यू आइडियाज और लेआउट एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू कैन ऑल्सो ईमेल मी। सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जरूर चेक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस बालकनी मेकओवर। If you enjoy, then don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon next to it. One more thing I want to share with you all, that recently I started the Marathi YouTube channel. If you understand Marathi language and you are Maharashtrian, then go and check out my new channel. Nakki support kara navin channel la. Yeah, that's it for today's video. Milte hain next video mein. Till then, bye bye. Live your dreams.